आज की वीडियो में आपको योयो हनी सिंह की वाइफ शालिनी के हनी सिंह पर लगाए गए एक्यूजेशंस के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। योयो हनी सिंह और उनकी वाइफ शालिनी 2011 में शादी के बंधन में बंधे थे और अब शादी के 10 साल के बाद योयो हनी सिंह की वाइफ शालिनी ने उन पर काफी संगीन इल्जाम लगाए हैं। 2014 में योयो हनी सिंह ने अपनी वाइफ शालिनी को इंडियाज रॉ टैलेंट के थ्रू सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और तब दोनों शो में अपनी अपेयरेंस देने की वजह से काफी चर्चा में भी रहे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक शालिनी ने ही योयो हनी सिंह के शो में उनका साथ देकर उन्हें नर्वसनेस और कोल्ड फीट से बचाया था। मंडे को शालिनी ने दिल्ली के कोर्ट में हनी सिंह के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है। शालिनी ने अपनी FIR में लिखवाया है कि उन्हें हनी सिंह ने एक नहीं बल्कि काफी दफा फिजिकल, मेंटल और वर्बल अब्यूज किया है और सिर्फ हृदय सिंह, जो हनी सिंह का रियल नेम है, सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि उनकी मदर और सिस्टर ने भी शालिनी पर वायलेंस किया है। शालिनी का कहना है कि योयो हनी सिंह और उनके बीच डिफरेंसेस हनीमून से ही आने लगे थे। हनी सिंह के अजीब बिहेवियर पर जब शालिनी ने उनसे बात की तो हनी सिंह ने उन्हें पहली बार हिट किया था। शालिनी ने हनी सिंह पर अल्कोहलिज्म एंड अडल्ट्री का भी एक्यूजेशन लगाया है। उनका कहना है कि हनी सिंह बहुत सारी वुमेन के साथ कैजुअल सेक्स में भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हनी सिंह शालिनी को अपने साथ सिंगिंग टूर्स पर भी नहीं लेकर जाते और अपनी वेडिंग रिंग भी उन्होंने पहनना बंद कर दी है, ये कहकर कि उन्हें डायमंड सूट नहीं करता। आपको योयो हनी सिंह के बारे में ये सारे संगीन इल्जामात जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।